ओम मनवंत नमः स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको हनुमान जी का बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ जिनको भी पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है या बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है तो यह एक उपाय आप हर कार्य के लिए कर सकते हैं आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने हाथ से चूरमा की दो पिंडी बनानी है चूरमा अपने हाथ से बनाना है अगर अपने से ना बना सके तो बाजार से जा करके आप मोदक ले आए अगर आपने से बनाए तो ज्यादा अच्छा है साथ ही दीपक तैयार करना है और केले के फल केले का जो फल होता है वह आपको लेना है एक जनेऊ सिंदूर और साथ ही आप एक मीठा पान ले लेंगे और दो लेंग, लोंग लेंगे लौंग लेंगे लौंग लेनी है आपको फूल वाली फूल जरूरी नहीं लेनी है अब यह सारा सामान लेकर के आपको हनुमान जी के सामने जाना है और ऐसी मूर्ति देखनी है जहाँ पर चोला चढ़ता हो हनुमान जी का उससे पहले आपको सूर्य देव की आराधना करनी है सुबह उठते स्नान के बाद आप सूर्य देव को अर्घ देंगे लोटे में लाल पुष्प डाल करके ओम सूर्याय नमः भास्कर नमः आदित्य नमः आदि मंत्रों को बोलते हुए भगवान सूर्य देव की आपको आराधना करनी है उसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और जो चोले वाली हनुमान जी की मूर्ति हो जहाँ पर सिंदूर का चोला चढ़ता हो ऐसी मूर्ति आपको देखनी है सबसे पहले आपको प्रणाम करना है साथ ही आपको हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करना है लाल सिंदूर जो होता है गाय के घी में मिक्स करके हनुमान जी को आपको चढ़ाना है और चढ़ाते समय ओम हनुमंत नमः ओम हनुमंत नमः इस मंत्र का जाप करना है दोस्तों जब आप सिंदूर चढ़ा रहे हो तो उस समय आपको संकल्प करना है कि आप किस कार्य के लिए उपाय कर रहे हैं अगर नेक्स्ट काम से कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपके मन में कोई कामना है किसी कामना को लेकर के आप उपाय कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर संकल्प करना होगा कि हे प्रभु बालाजी महाराज हनुमान जी मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए मैं इतने चोले चढ़ाऊँगा आप मंगलवार के व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं व्रत का नियम यह है कि इस समय भोजन किया जाता है वह भी चूरमा का हनुमान जी को एक पिंडी का भोग लगा के वो बाँटे और एक पिंडी आप खुद खाएं तो बहुत ही अच्छा ये व्रत होता है हनुमान जी का अवश्य मनोकामना पूरी होती है आप अपने हिसाब से ये व्रत रख सकते हैं सात ग्यारह सोलह जितना व्रत रखना चाहें आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी तो आपको हनुमान जी का चोला चढ़ा देना है उसके बाद में हनुमान जी के सामने दीपक जलाना है पान में दो लौंग लगा करके हनुमान जी के सामने यह बीड़ा होता है हनुमान जी का वह हनुमान जी को अर्पण कर देना है साथ ही आपको भोग लगाना है और उसके बाद आप वहीं बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे एक बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है तो दोस्तों यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है बहुत ही चमत्कारी है इस उपाय से विशेष लाभ मिलता है और जल्दी से जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है आप मंगलवार को किसी भी मंगलवार से ये प्रारंभ कर सकते हैं शुक्ल का मंगलवार हो तो अच्छी बात है और आप मनोकामना बोल करके जितने मंगलवार आप बोलोगे भगवान ने चाहा तो उतने मंगलवार में आपको संकेत भी हनुमान जी देंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी यह सत्य और प्रभावशाली उपाय है मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी चले होगी वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं ओम हनुमत